हेलो एंड वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपकी आंखों में कैटराक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आ रही है या आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपकी आंख में मोतियाबिंद आ गया है और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें नया लेंस डालना पड़ेगा, तो हमें ये समझना है कि आजकल मोतियाबिंद में जो आंखों में लेंसेज डलते हैं वो कई प्रकार के लेंसेज आ गए हैं और ऐसे लेंसेज आ गए हैं जिनको डालने के बाद आपकी दूर की, पास की और बीच की नज़र बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है बिना किसी चश्मे की हेल्प के। लेकिन उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि मोतियाबिंद होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह का ऑपरेशन करा जाता है, कितने तरह के ऑपरेशन हैं, कितने तरह के लेंसेज हैं और आपको अपने लिए कौन सा ऑपरेशन और कौन सा लेंस चूज करना है, कैसे कैसे आपके लिए ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये मोतियाबिंद आखिरकार होता क्या है। देखिए क्या होता है, हमारी आंख जो है ये एक कैमरे की तरह, जैसे कैमरे के अंदर एक लेंस होता है वैसे ही हमारी आंख के अंदर भी एक लेंस होता है और इस लेंस को ऊपर वाले ने या नेचर ने बिल्कुल शीशे की तरह साफ बनाया है। लेकिन जैसे बढ़ती उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ हमारी आंख के अंदर जो क्लियर लेंस होता है वो इस तरह से सफ़ेद हो जाता है। एक मैंने आपके लिए यहाँ पे फोटो भी निकाली है तो आप देख सकते हो ये जो बीच का हिस्सा सफ़ेद हो गया है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटराक्ट कहते हैं। अब एक बारी मोतियाबिंद आ गया तो उसका इलाज सिर्फ एक ही है और वो है एक ऑपरेशन। ऑपरेशन से इस सफ़ेद लेंस को निकाल दो और इसकी जगह पर एक साफ सुथरा लेंस डाल दो जिससे लाइट जाने का रास्ता फिर से साफ हो जाता है और आपको दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन सुनने में तो बड़ा आसान और सिंपल लगता है, लेकिन आजकल मोतियाबिंद की टेक्नोलॉजी, मोतियाबिंद ऑपरेशन में जो लेंसेज डलते हैं वो बहुत एडवांस हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेनली तीन तरह के लेंसेज हैं जो मोतियाबिंद ऑपरेशन में डाले जा सकते हैं। तीन तरह के डिज़ाइंस हैं। तीन तरह के डिज़ाइन क्यों हैं? क्योंकि एक इंसान को तीन डिस्टेंसेज में देखना होता है। तो एक नॉर्मल इंसान को देखने के लिए उसको दूर की नज़र चाहिए होती है, जैसे गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना। बीच की नज़र चाहिए होती है जैसे कंप्यूटर पे काम करना। नज़दीक की नज़र चाहिए होती है जैसे मोबाइल फ़ोन रीडिंग या पढ़ाई का काम करना। तो इसी तरह से तीन तरह के लेंसेज इसमें अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला लेंस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस नाम ही बता रहा है, मोनो का मतलब होता है वन। मोनोफोकल लेंस का मतलब है कि आपको दूर का सारा साफ दिखेगा, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, लेकिन जब भी आपको इंटरमीडिएट या पढ़ाई का काम करना है तब आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। मेजॉरिटी लोगों में ऑल ओवर इंडिया आजकल मोनोफोकल लेंस मेजॉरिटी लोगों में डलते हैं। क्यों इतना डलते हैं? क्योंकि ये लेंस काफ़ी सस्ते होते हैं, चीप लेंसेज हैं और इन लेंसेज को डालने के लिए ज़्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आप मोनोफोकल लेंस चूज़ कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के लेंसेज अवेलेबल हैं, कुछ इंडियन कंपनीज आती है, कुछ इम्पोर्टेड कंपनीज आती है। मोनोफोकल लेंस में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसको हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लेंस यूज़ किया जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, उस लेंस का नाम है एक्रिसॉफ IQ लेंस, जो एल्कॉन नाम की एक अमेरिका की कंपनी है वो बनाती है।
हमारे सेंटर में जहाँ पे हम लोग एडवांस सर्जरीज करते हैं वहाँ पे हम मोनोफोकल लेंसेज को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हम लोग बेटर लेंसेज, एडवांस लेंसेज को प्रेफर करते हैं जिसमें पेशेंट का कंफर्ट और बढ़ जाता है। दूसरे प्रकार का जो लेंस है उसको हम कहते हैं ट्राईफोकल लेंस या मल्टीफोकल लेंस। अब ट्राईफोकल लेंस नाम ही बता रहा है कि तीनों डिस्टेंसेज में वो आपको एडवांटेज देता है। तो अगर हम ट्राईफोकल लेंस डालते हैं तो पेशेंट दूर का भी साफ देख पाता है, इंटरमीडिएट भी साफ देख पाता है, कंप्यूटर पे यूज करना, लैपटॉप यूज करना, और अप क्लोज रीडिंग का काम, राइटिंग का काम भी कंफर्टेबली कर पाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ट्राईफोकल लेंस तीनों डिस्टेंसेज में आपको अच्छा दिखा रहा है तो ये तो दुनिया का बेस्ट लेंस है भाई, लेंस डाला चश्मे की जरूरत ही खत्म। लेकिन ट्राईफोकल लेंसेज में एक प्रॉब्लम बनती है, उस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं हेलोज एंड ग्लेयर्स एंड लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अब ये क्या होता है, देखिए अगर मैं ट्राईफोकल लेंस की आपको फोटो दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में बगल में फोटो आ रही है, तो आप देखेंगे इस लेंस में अलग अलग रिंग्स हैं और ये अलग अलग रिंग्स अलग अलग डिस्टेंसेस को कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो क्या होता है, ट्राईफोकल लेंस में जब सामने से लाइट आती है तो इन ट्राईफोकल रिंग्स की वजह से ये लाइट तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो पेशेंट कहता है कि मुझे दिख तो सब कुछ रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर चीज ब्राइटनेस कम हो गई, कॉन्ट्रास्ट कम हो गया। तो दिखता आपको सब कुछ है लेकिन कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस पेशेंट को कम फील होती है। दूसरी इसमें प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट को हेलोज एंड ग्लेयर्स बनते हैं। हेलो ग्लेयर का क्या मतलब है, अगेन यहां पे पिक्चर आ रही है आप देख सकते हो, हेलो ग्लेयर का मतलब है कि जब आप पॉइंट लाइट सोर्स को देखते हो, जैसे बल्ब को देखो, हेडलाइट्स को देखो, तो उसके अराउंड आपको रंग बिरंगे छल्ले दिखते हैं या लाइटें थोड़ी फैली फैली दिखती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है हेलो ग्लेयर की, ये लोगों को बड़ा परेशान करती है। तो मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज जो हैं हम उन लोगों में प्रेफर करते हैं जो बिल्कुल जैसे रिटायर हो गए, कोई इंसान रिटायर हो गया है, अब घर पे रहना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा चश्मा पहनने का मन नहीं करता, उन लोगों में ट्राईफोकल दे सकते हैं। या हाउसवाइफ्स हो गई कि भाई थोड़ा सा आपको कंफर्ट हो जाएगा सारे डिस्टेंसेस पे चश्मा नहीं पहनना, उन लोगों में ट्राईफोकल प्रेफर करे जाते हैं। मेरी अपनी प्रैक्टिस में अगर मैं 1000 लोगों का ऑपरेशन करता हूँ तो मुश्किल से किसी एक में मैं ट्राईफोकल डालता हूँ, वो भी पेशेंट से बहुत डिस्कस करने के बाद, समझाने के बाद कि आपको ये प्रॉब्लम्स बन सकती हैं और अगर आपको बनेंगी तो हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो और हमें लेंस को एक्सचेंज करना पड़े। तो अपनी प्रैक्टिस में मैं ट्राईफोकल को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ ट्राईफोकल के रिजल्ट से। कुछ डॉक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं, वो अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं ट्राईफोकल्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। ट्राईफोकल में अगर आप जा रहे हैं तो अगेन ट्राईफोकल में जो वर्ल्ड लीडर है एल्कॉन IQ का, ये पैन ऑप्टिक्स लेंस है एल्कॉन का, एल्कॉन पैन ऑप्टिक्स, ये आजकल का नंबर वन लेंस है, गोल्ड स्टैंडर्ड है ट्राईफोकल मल्टीफोकल लेंसेज में। तो अगर आप ट्राईफोकल प्लान कर रहे हैं तो आप पैन ऑप्टिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेजॉरिटी लोगों में हम लोग कौन सा लेंस डालते हैं। मेरी प्रैक्टिस में 90% लोगों के जो मैं लेंसेज डालता हूं उनको हम लोग कहते हैं EDOF लेंसेस। EDOF का मतलब है EDOF, मतलब एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेस। इसमें क्या होता है, EDOF लेंस के बाद जो विविटी लेंस है, एल्कॉन का विविटी लेंस है, जिसके ऊपर मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, आपको दिखा चुका हूं, पेशेंट लाइव पेशेंट रियल पेशेंट्स कि पेशेंट दूर का भी देख पाते हैं, नजदीक का भी देख पाते हैं। EDOF लेंस में कंपनी वाले ये कहते हैं कि पेशेंट को दूर का साफ दिखेगा और बीच का साफ दिखेगा, लेकिन नजदीक के लिए पेशेंट को चश्मा पहनना पड़ेगा। लेकिन EDOF लेंसेज जो विविटी लेंस है एल्कॉन का, हम रोज ही डाल रहे हैं और हम लोग ये देखते हैं कि विविटी लेंस के डालने के बाद पेशेंट दूर का तो 100% पड़ता ही है, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, बिल्कुल 100% क्लैरिटी। बीच का तो 100% मिलता ही है, टीवी ये कंप्यूटर पे काम करना, लैपटॉप काम करना, 100% क्लैरिटी, और पेशेंट 80-90% रीडिंग के लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है।
मतलब अगर पेशेंट को पढ़ना है तो अगर एक नॉर्मल इंसान जो पढ़ पाता है उससे 10-20% कम पेशेंट रीडिंग के लिए भी पढ़ पाता है। तो ओवरऑल पेशेंट बहुत कंफर्टेबल है, चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी चला रहे हैं आप, सडनली फ़ोन बज गया, आपने फ़ोन देखा तो फ़ोन भी दिख रहा है, सामने भी दिख रहा है, डैशबोर्ड भी दिख रहा है, ओवरऑल पेशेंट बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, अगर बहुत बारीक अक्षर पढ़ना है, बहुत छोटा अक्षर पढ़ना है, जैसे मान लीजिए इस बोतल पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है इस पे क्या लिखा हुआ है, तब आपको चश्मे की सपोर्ट पड़ेगी। तो 80-90% रीडिंग के लिए बेनिफिट है, 100% देखने के लिए थोड़ा चश्मा पहनना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब EDOF में वैसे तो वर्ल्ड जो लीडर है, जो आजकल का EDOF बेस्ट लेंस है, वो विविटी लेंस है, लेकिन विविटी थोड़ा सा महंगा लेंस है। तो अगर आप विविटी नहीं चूज करना चाहते, जो जैसे मैंने आपको बताया था, जब तक विविटी नहीं आया था तब तक हम टेक्निस आईहांस लेंस को डालते थे। तो क्वेश्चन मेरे से लोग पूछते हैं कि सर विविटी और टेक्निस आईहांस में फर्क कितना है। देखिए फर्क है, अगर विविटी आपको इस डिस्टेंस के आगे सारा क्लियर दिखाता है तो आईहांस आपको इस डिस्टेंस के आगे क्लियर दिखाएगा। तो विविटी आपको थोड़ा सा डेप्थ का एडवांटेज और दे देता है, और उस एडवांटेज के लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो अगेन EDOF में दो लीडर्स हैं, विविटी एंड आईहांस। प्रेफर हम विविटी करते हैं, बट अगर किसी के बजट में नहीं आ रहा तो आईहांस भी हम यूज कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि इन सारे लेंसेज जो मैंने आपको बताए हैं, मोनोफोकल लेंस, EDOF लेंस या ट्राईफोकल लेंस, इन सब लेंसेज में टॉरिक लेंसेज भी अवेलेबल होते हैं। टॉरिक लेंस का क्या मतलब है कि अगर आपकी आंख में सिलेंडर पावर है और सिलेंडर पावर आधे या पौने से ऊपर है तो हम टॉरिक लेंस डालेंगे। टॉरिक लेंस आपकी सिलेंडर पावर को भी कवर करता है और उससे विजन हमारी और ज़्यादा क्रिस्प और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अगर आपको मोतियाबिंद का आ रहा है, आंख में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि डॉक्टर साहब मेरी आंख में सिलेंडर कितना है और क्या मुझे टॉरिक लेंस डलवाना चाहिए ताकि मुझे और क्रिस्टल क्लियर विजन मिल सके। अगर मैं 100 लोगों का ऑपरेशन करता हूँ तो 100 में से 80% लोगों की आंखों में टॉरिक लेंस डलता है और सिर्फ 20% लोग होते हैं जिनको टॉरिक लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मेजॉरिटी चंक टॉरिक वाला होता है। तो ज़रूरी है आपको अपने डॉक्टर से पूछना, क्योंकि वो थोड़ा सा जब हम आधा पौना नंबर सिलेंडर भी ठीक करते हैं तो आपकी विजन की क्लैरिटी और बेटर हो जाती है, बहुत क्लियर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ओवरऑल आइडिया मिला होगा कितने तरह के लेंसेज हैं। तीन डिस्टेंसेज में एक इंसान को देखना होता है, तीनों डिस्टेंस के लिए लेंसेज बने हुए हैं। अगेन जो आजकल लेटेस्ट लेंस है जिससे सबसे अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो विविटी लेंस है। विविटी लेंस में पेशेंट बहुत कंफर्टेबल है, जो और जो मल्टीफोकल लेंसेज में प्रॉब्लम होती थी कि हेलो ग्लेयर, लॉस ऑफ कंट्रास्ट, वो EDOF लेंस या विविटी लेंस में नहीं है। तो आज की डेट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा विविटी लेंस। अगेन इसके ऊपर कोई और एडवांसमेंट्स आएगी तो मैं नई वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।